हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सचिन भगत। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें कि शेयर मार्केट में, किसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, किसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, पूरा डिटेल में यहाँ पे समझने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हुए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज हम उन नए निवेशक के लिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर आए हुए हैं। तो इसलिए अगर आप पहली बार ऐसी वीडियो देख रहे हैं कि जहां पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसमें निवेश करनी चाहिए, तो वीडियो को पूरा ही देखना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के वीडियो के बारे में। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपको कहाँ निवेश करना चाहिए? आप क्या सोच रहे हैं? अगर आप शेयर मार्केट सोच रहे हैं तो क्यों सोच रहे हैं? अगर आप म्यूचुअल फंड सोच रहे हैं तो क्यों सोच रहे हैं? आपने बहुत सारे प्रचार देखे होंगे, म्यूचुअल फंड सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन आज के इस वीडियो में ये देखिए म्यूचुअल फंड कैसे सही है। ठीक है, सबसे पहले हम डिफरेंस समझ लेंगे कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में डिफरेंस क्या है, फिर बाद में आप खुद ही समझ जाएंगे कि मुझे किसमें निवेश करना चाहिए। दोस्तों, म्यूचुअल फंड क्या होता है और शेयर मार्केट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बता देता हूं। आजकल का युवा बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्टिव हो चुका है निवेश करने को लेकर, ट्रेडिंग भी बहुत आजकल चल रहा है और सभी अच्छी बात है कि एक्टिव हो रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि ये सब इनकम आप साइड इनकम से बहुत अच्छा जनरेट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, ठीक है, और शेयर मार्केट क्या होता है। तो दोस्तों, अगर हम शेयर मार्केट की बात कर ले तो आपने बहुत सारी कंपनी का नाम सुना होगा, बहुत सारी कंपनी, जितना कंपनी आप यूज करते हैं, है ना, लाइफ बॉय साबुन हो गया, लक्स हो गया, आपने साबुन का नाम सुना है, रिलायंस कंपनी होगी, एचडीएफसी बैंक हो गया, कंज्यूमर में टाटा नमक हो गया तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में आ जाता है, बहुत सारी कंपनी का आपने नाम सुना होगा। तो जितनी भी कंपनी है वो शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है। देखिए, जरूरी नहीं कि हर कंपनी लिस्ट होगी, लेकिन जो आपको लिस्ट कराती है वो शेयर मार्केट में रहती है। तो वो जो कंपनी होती है उसमें हम डायरेक्ट निवेश करते हैं शेयर मार्केट से। बहुत सारे यहाँ पे ब्रोकर्स होते हैं, जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, ये सब ब्रोकर के थ्रू हम निवेश करते हैं शेयर मार्केट में और हम डायरेक्ट कंपनी में निवेश कर देते हैं। तो शेयर मार्केट में क्या होता है कि हम कुछ एनालिसिस करते हैं। मान लीजिए रिलायंस में निवेश करना चाहते हैं तो उसके बारे में थोड़ा एनालिसिस कर लिए, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लिए, कंपनी कैसी है, कंपनी क्या प्रोडक्शन करती है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, कहाँ सेलिंग करती है, एक्सपोर्ट करती है, इंपोर्ट करती है, कैसे बेचती है, कितना पैसा कमाती है, ठीक है। इस प्रकार से हम उसका एनालिसिस करके खुद से एनालिसिस करते हैं और खुद से निवेश कर देते हैं। तो वो हम क्या किए, डायरेक्ट निवेश कर दिए, ठीक है। इस प्रकार से हम शेयर मार्केट में निवेश कर दिए, इसमें कुछ भी नहीं है। अब म्यूचुअल फंड बताते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है, नाम से ही म्यूचुअल है, आपके एफबी अकाउंट पे म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे, होंगे ना। म्यूचुअल फ्रेंड्स का मतलब उसके दोस्त के भी दोस्त, उसके दोस्त के भी दोस्त, वो होगा हमारे म्यूचुअल, ठीक है। तो उसी प्रकार म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि बहुत सारे शेयर मार्केट का जो शेयर है, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, टाटा, ठीक है, इस प्रकार से जो कंपनियां हैं, महिंद्रा, जो हमारे देश की कंपनियां हैं, म्यूचुअल फंड क्या करती है, उसमें निवेश करती है। म्यूचुअल फंड बाहर की कंपनियों में भी निवेश करती है, यूएस के मार्केट में भी निवेश करती है, ठीक है। तो यहां पर हम ये समझ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में किस प्रकार से कंपनी निवेश करती है। मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहे हैं, आप 100 रुपया महीना करके लगा रहे हैं, सप्ताह कर लगा रहे हैं या दिन करके लगा रहे हैं, 1000 लगा रहे हैं, जो जितना आपका बन रहा है उतना लगा रहे हैं। वो जो पैसा होता है ना, वो थोड़ा सिक्योर हो जाता है। कैसे सिक्योर हो जाता है, आप ये समझिए, म्यूचुअल फंड क्या करती है, उसमें एक मैनेजमेंट बैठा हुआ है, एक एजुकेटेड क्वालिफाइड वहां पे बैठा हुआ है जो मैनेज कर रहा है। और उस जो देखिए वो क्या होता है ना, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, मार्केट को अच्छे तरीके समझते हैं कि आने वाला साल में, 2 साल में, फ्यूचर में क्या हो सकता है, जो बीता हुआ है मार्केट उससे रिलेटेड वो समझते हैं कि आगे क्या हो सकता है, आज क्या हो सकता है, कल क्या हो सकता है, वो मार्केट को समझते हैं, वो न्यूज को देखते हैं, वो कंपनियों को, डेटा को पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो मैनेजमेंट होते हैं। और आपने 100-100 रुपए करके जमा कर रहे हैं या 1000 जैसे भी हो, और भी बहुत सारे लोग हैं ना जो म्यूचुअल फंड में जमा कर रहे हैं, तो हजारों लोग म्यूचुअल फंड में जमा किए। मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड का मैं आपको नाम बता देता हूँ, SBI स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं। इसमें दो तरीके से निवेश किया जाता है, एक आप SIP थ्रू निवेश कर सकते हैं, महीना महीना दे सकते हैं, सप्ताह सप्ताह दे सकते हैं, लमसम कर सकते हैं, एक ही बार में निवेश कर सकते हैं, 10 लाख 20 लाख जितना आपका मन करे, ठीक है। वो जो पैसा जाता है, वो पैसा वो क्या करती है, जो म्यूचुअल फंड होती है क्या करता है, वो भी शेयर मार्केट में ही निवेश करता है, गोल्ड में निवेश करता है, ETF में निवेश करता है, मतलब जिस कैटेगरी में आप निवेश करते हैं। अगर आप इंडेक्स में निवेश करेंगे तो इंडेक्स में देखने को मिलेगा, आप डेट फंड में निवेश करेंगे तो डेट फंड में कंपनियां निवेश करेगी जो म्यूचुअल फंड होगी। तो आपने मान लीजिए किसी एक म्यूचुअल फंड में निवेश किया, उसमें बहुत सारी कंपनी को वो क्या करेगा, निवेश कर देगा। तो अब उसका क्या बेनिफिट है, देखिए वो जो है रिसर्च कर रहा है, बहुत जानकारी रिसर्च कर रहा है,
वो निवेश कर रहा है ना। और वो क्या कर रहा है कि वो ऐसी कंपनी में निवेश कर रहा है जो ग्रो करेगा, तो आने वाले समय आपका पैसा भी ग्रो करेगा। वो क्या है, वेल एजुकेटेड है, उसे समझ में आ रहा है, आपका पैसा वो सही जगह वो लगा रहा है। इस प्रकार से एनुअल रिटर्न 12 से 15%, 20% तक का एनुअल रिटर्न आपको निकाल कर दे देता है, क्योंकि वो रिसर्च करता है, सारी जानकारी हासिल करता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट क्या डिफरेंस है। शेयर मार्केट में खुद से आपको निवेश करना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड में आपका पैसा कोई और निवेश कर दे रहा है, शेयर मार्केट में ही कर रहा है, अच्छी अच्छी कंपनी को ढूंढ रहा है। इस प्रकार से क्या हो जाता है, म्यूचुअल हो जाता है। तो आप समझिए यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम हो जाता है म्यूचुअल फंड में। शेयर मार्केट में अगर आप डायरेक्ट निवेश करते हैं वो क्या हो जाता है दोस्तों, थोड़ा रिस्क हो जाता है कि पता नहीं मैंने कैसा रिसर्च किया, सही होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि आप म्यूचुअल फंड में ज्यादा निवेश कर सकते हैं। अब कौन निवेश कर सकता है, देखिए अगर आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, आपके पास समय नहीं है ज्यादा रिसर्च करने का, तो आप सिंपल कोई भी एक म्यूचुअल फंड में निवेश कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। महीना महीना निवेश कर सकते हैं, सप्ताह सप्ताह निवेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री हो गए। आप डेट फंड में निवेश कर दीजिएगा, आराम से पैसा पे आपको मिलता रहेगा जितना FD है, ठीक है। लिक्विड फंड में निवेश कर दीजिएगा, 5% 6% आपको मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से आप अपना म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, जिसे समय नहीं है शेयर मार्केट में रिसर्च करने को लेकर, वो बेशक म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है। शेयर मार्केट थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कंपनी के बारे में रिसर्च कर रहे तो 2 घंटे 3 घंटे रिसर्च करने पड़ेंगे, और क्या बार बार उसको ट्रैक करता रहना पड़ेगा, कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट कैसे निकाल देती है, एनुअल रिटर्न्स क्या निकल रही है कंपनी, कंपनी सेल कर पा रही है नहीं कर पा रही है, बार बार रिसर्च करना पड़ेगा, बार बार उसको ट्रैक करना पड़ेगा। तो इसलिए म्यूचुअल फंड क्या हो जाता है, सही हो जाता है कि मेरा एक जगह पैसा लग गया है, अब आराम से हम निश्चित रह सकते हैं। कंपनी है जो म्यूचुअल फंड है वो भी रिसर्च कर रहा है, वो देख रहा है, अगर वो कंपनी गलत हो जा रही है तो वो अपना पोर्टफोलियो से बाहर निकाल देता है, फिर दूसरी कंपनी को ऐड कर लेता है। इस प्रकार से म्यूचुअल फंड सही हो जाता है। वैसे स्टॉक मार्केट भी सही है, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो बहुत अच्छा से निवेश कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ब्रोकर्स का और म्यूचुअल फंड वाले का, आप देख लोगे तो आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने एक लिंक दे दिया है ग्रो ऐप, जो आपका बहुत ही समय बचाएगा और आसानी से आपको सिखा देगा कैसे आपको ट्रेडिंग करना है, उसमें म्यूचुअल फंड का भी है, तो दोनों है, आप जिसमें निवेश कर सकते हैं, नीचे डाउनलोड कर सकते हैं, ग्रो ऐप दिया गया। ओके, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अगर शेयर मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई आपका सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आप चैनल पे जा सकते हैं, वहां पे इंस्टाग्राम मेरा दिया गया है, आप आईडी जाकर कोई भी सवाल अपना कर सकते हैं, ठीक है, और कमेंट भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, चैनल बने तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहां तक बने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।